फूडीज, देखिए हमने आज बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा और ये देखने में कितना ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो अब हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है प्याज, 4 प्याज लिए हैं, 3 शिमला मिर्च लिए हैं मैंने और 3 टमाटर लिए हैं। और ये है मेरी मलाई एंड सूजी, नमक मिर्च। ये इसमें हम डालेंगे प्याज, अब इसमें हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च, अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। ये सब सब्जियां जो हैं मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी सूजी, सूजी हम लेंगे 1 करछी, ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मलाई, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाली, 2 ही चम्मच बड़े डाले हैं। और नमक इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार, डालेंगे मिर्च। अब इसको हम करेंगे मिक्स। सो गाइस देखिए ये मिक्स हो चुका है, हमारी ग्रेवी जो है पिज़्ज़ा की तैयार हो चुकी है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। गाइस देखिए ये रेडी हो चुका है, मैं इसको लगाऊंगी ब्रेड पे। ब्रेड पे आप जितनी ज्यादा फिलिंग करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग उतना ही यम्मी बनेगा। मैं गरम कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। जब हम इसे पकाएंगे कि तो इसके ऊपर भी ऑयल डालना होगा ताकि जो ये हमारी ग्रेवी है ऊपर से चिपके ना गैस पे। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो हम इसके पकने तक का वेट करेंगे। देखिए ये हमारा जो है नीचे से पक चुका है, अब हम इसको पलटेंगे। इसको प्रेस करेंगे ताकि जो इसकी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाए। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है, मैं इसको प्लेट में। तो ये हमारा जो देखिए बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा बनाऊंगी, इसी में हम इसी तरीके से फिलिंग करेंगे। मैंने ऑयल डाल के ब्रेड उसी तरीके से डाल दिए, अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो चिपके ना। ये देखिए कितना डिलीशियस बना है, दोनों तरफ से पूरा प्रॉपर सिका है। ये बहुत ही यम्मी बनता है खाने में। सो देखिए मैंने 2 पीसेस बनाए हैं और ये देखने में और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो ये आप जब भी ट्राई कर सकते हैं, आपको पिज़्ज़ा की कभी क्रेविंग्स हो और आप एकदम से ना मंगवा पाएँ तो अभी घर में बना सकते हैं होममेड पिज़्ज़ा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर करें।